नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं चार चीज़ों के बारे में जो आपको विशेषतः ध्यान रखनी है योग अभ्यास करने से पहले। तो जानिए क्या है वो। पहला, आप जहाँ भी योग अभ्यास करेंगे वो एक खुली जगह होनी चाहिए, फुली वेंटिलेटेड। घर में भी आप खिड़की खोल के, दरवाजे खोल के उनके पास में हवादार जगह पे अपना योग अभ्यास करेंगे। नंबर दो, मेक श्योर करेंगे इस चीज़ के बारे में कि आपका जो मैट है, योग मैट है, वो थोड़ा खुरदरा हो, वो चिकना ना हो, क्योंकि अगर वो चिकना रहेगा तो वो आपको फिसलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जो आपका योग मैट है वो थोड़ा सा खुरदरा होना चाहिए। तीसरा, योग अभ्यास करते हुए आपका पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर। अगर सांसों पर ध्यान नहीं देंगे तो वो तो आपका नॉर्मल एक्सरसाइज बन जाएगी। तो इसीलिए जब भी योग अभ्यास करेंगे तो अपनी आती जाती सांसों पर पूरा ध्यान देंगे। और नंबर फोर, और जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, कि अपना जो आपके टीचर हैं, जो बता रहे हैं, उसको फॉलो करेंगे। जब तक आपसे ना कहा जाए, मुंह से श्वास नहीं लेनी है। हमेशा नाक से ही श्वास लेंगे और नाक से ही श्वास छोड़ेंगे। जब तक आपका योग टीचर आपसे ये ना कहे कि मुंह से सांस लेनी है, तब तक नाक से ही सांस लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।